सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। दिस इज दिवेन बैग एंड यू आर वाचिंग कार्बोनेट ब्लॉग्स। सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ आई गॉट बैकपैक डिलीवर्ड। दिस इज द कार्बोनाडो एक्स। मैंने इस बैकपैक को खोल के चेक कर लिया था। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन। मैंने अभी इस बैग को ट्राई नहीं किया हुआ है, तो आई विल बी टेस्टिंग दिस बैग वेरी सून, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। सो स्टे ट्यून्ड। सो पैकेजिंग की बात करें तो दिस इज अ बेसिक पैकिंग। यहाँ पर बॉक्स कॉन्टेंट्स बने हुए हैं। सो देर इज अ कार्बोनाडो एक्स 16 बैकपैक। मेरा 16 इंच वाला है। देर इज अनदर 14 इंच आई गेस, यस। एंड एक फ्लाई हार्नेस है, एक लॉन्ड्री बैग है, दो मैग्नेटिक लूप्स, एक रेन कवर पाउच एंड ए यूजर गाइड। एंड इस पर 1 ईयर की वारंटी है। हैंडमेड है, मेड इन इंडिया है। सो दिस बैग इज एक्चुअली मेड टू ऑर्डर फॉर नाउ, मास प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए 1 महीना लगा बन के आने में। इसमें आपका आ जाता है मैग्नेटिक लूप एंड फ्लाई हार्नेस। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो इस बॉक्स का कोई काम नहीं है। सो दिस इज द बेसिक यूजर गाइड एंड मेरा इनवॉइस। बैकपैक का प्राइस है 3950। मुझे 300 रुपीज़ डिस्काउंट मिला, तब प्रमोशनल कोड मुझे एक मिल गया था, तो मैंने उसमें से 300 रुपीज़ अवेल कर लिया था डिस्काउंट। सो मुझे पड़ा 3650। वैसे बैग 3950 का। सो दिस इज द यूजर गाइड, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। दिस इज द लॉन्ड्री बैग जो मेंशन किया गया था, एज अ हैंडी फीचर एक्चुअली बैग को स्टोर करने के लिए। सो दिस इज द बैकपैक कार्बोनाडो एक्स। दिस इज द पेच, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। तो वो वाला कलर है, मेरी बाइक के साथ मैच करता है, कावासाकी ग्रीन। तो अभी अगर आपको फीचर्स के बारे में बताने जाऊँ, दिस इज द फ्लाई हार्नेस इसका, विद द पेटेंटेड मैग्नेटिक स्लाइडर लूप। बहुत ही सिंपल है, दिखने में फ्लिमसी लगेगा आपको, बट दिस लूप कैन टेक ऑलमोस्ट 40 kg ऑफ लोड। एंड दिस इज द फ्लाई हार्नेस। बहुत सारे एडजस्टमेंट पॉइंट्स हैं, शोल्डर, वेस्ट, स्टर्नम, एज ये यहाँ पर है आपका मैग्नेटिक स्लाइडर। वेल पैडेड है, वेंटिलेटेड है, तो आपको स्वेट का चिंता करने का कोई नीड नहीं है। देयर इज पैराकॉट टू, अगर आपको स्वेटर लगाना है, यहाँ पर आपका फ्लीस लगाना है, हुडी, ग्लव्स, कुछ भी लगाना हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसमें टोटल 3 कंपार्टमेंट है। सामने के तरफ है यूटिलिटी कंपार्टमेंट, आपने नोट्स, पेन, ईयरफोन, हेडफोन, जो भी आप लेके ट्रैवल कर रहे हो वो भी स्टोर कर सकते हो। बीच वाला कंपार्टमेंट है हाइड्रेशन कंपार्टमेंट, एंड थोड़ा वो स्टोरेज का स्पेस है यहाँ पर। तो दिस इज ये आपका है इंसुलेशन पाउच, जिसमें आप अपना हाइड्रेशन बैकपैक हो, हाइड्रेशन ब्लैडर हो, या फिर पानी का बोतल स्टोर कर सकते हो। आई गेस अप टू 8 आवर्स ये ठंडी चीज़ को ठंडी और गर्म चीज़ को गर्म रखता है। सो दिस इज द इंसुलेशन पाउच। ये इसके साथ आता है, फ्री है, इसके साथ इनबिल्ट आता है, रिमूवेबल है, वेलक्रो अटैचमेंट कुछ नहीं है, आप आराम से इसको निकाल के रख सकते हो अगर आपको चाहिए नहीं हो। सो दिस इज द रेन कवर पाउच, जिसके अंदर आपका है रेन कवर। खोलने से पहले आपको मैं रेन कवर पाउच दिखाना था। दिस इज सो प्रीमियम, ये एक्चुअली दिखने के लिए, दिखने में पीक डिजाइन के पाउच जैसा है। दिस इज द रेन कवर कार्बोनाडो एक्स रिटन। इस पे आपके ये लूप्स बने हुए, 4 लूप्स है इन टोटल, जो आपके बकल्स के चारों तरफ चले जाएंगे। यू हैव टू अनहुक इट, बकल्स के चारों तरफ चले जाएगा एंड ये अटैच हो जाएगा, एकदम सिक्योर फिट रहता है। सो दिस इज द रेन कवर एंड द रेन कवर पाउच। आपके यहाँ पर 3 स्ट्रैप्स आपको दिख रहे होंगे। सो दीज 3 स्ट्रैप्स आर फॉर योर हाइड्रेशन पाउच, यहाँ पर अपना हाइड्रेशन बैकपैक टांग सकते हो। एंड और एल्स आप इंसुलेटेड पाउच में रख के इसको हैंग कर सकते हो यहाँ पर। एक स्ट्रैप में आपका हाइड्रेशन बैग का पाइप जाएगा, जिसका यहाँ से पास थ्रू है,
जो पास थ्रू आपका थर्ड कंपार्टमेंट से भी कनेक्टेड है। यहाँ से इसका पास थ्रू होते हुए यहाँ पर आता है, यहाँ पर कुछ एक मैग्नेटिक क्लोजर है तो वहाँ पर वो अटक जाता है। आई डोंट नो हाउ डज दैट वर्क तो आई फिगर इट आउट आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पर आपका 16 इंच का कंपार्टमेंट है, सस्पेंडेड कंपार्टमेंट है टू स्टोर योर 16 इंच लैपटॉप्स अप टू 16 इंच। बेसिकली ये मैकबुक को टारगेट करते हुए बनाया गया आई गेस, तो आप 16 इंच तक का लैपटॉप रख सकते हो। दिस इज थ्री कंपार्टमेंट बैकपैक, बहुत ही स्लिम प्रोफाइल है। मैंने इसको पहन के देखा था, काफ़ी स्लिम प्रोफाइल है, काफ़ी लाइट वेट है, तो आई गेस राइड के टाइम शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। सो दिस वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आई ऑर्डर्ड फॉर माय टूरिंग वीकेंड राइड्स जो भी मैं करने वाला हूँ, ये एक था। सो कमिंग टू द सेकेंड प्रोडक्ट, ये है राइनॉक्स का मैग्नापॉड टैंक बैग। इसके ऊपर वीडियोज हैं बट नॉट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई गेस इट्स ऑप्टिमस टैंक बैग, बट इस टैंक बैग के वीडियोज हैं, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं फिलहाल इस टैंक बैग के लिए। कैपेसिटी की बात करने जाओ, ये है 21 लीटर्स, एक्सपेंडेबल अप टू 28 लीटर्स, बट बेस कैपेसिटी इज 21 लीटर्स। एंड फीचर्स की बात करने जाओ, इसमें आपके जो ये बैकपैक स्ट्रैप से ये हुक से कनेक्टेड है, अगर आप ये हुक डिटैच कर दो ये अंदर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर ये बेस पूरा फॉक्स लगा हुआ बना हुआ है जिसमें मैग्नेट्स है, ये अंदर आराम से टकिंग होके रह जाते हैं व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम। एंड इफ यू आर यूजिंग इट एज अ टैंक बैग, आप इसको निकाल सकते हो, इसको यहाँ से डिटैच करके आप इसके अंदर डाल सकते हो। यहाँ पर स्लॉट्स हैं इसके, ये अपने स्ट्रैप डालने के लिए। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टैंक बैग इज यू कैन यूज इट एज अ टैंक बैग एंड अ टेल बैग। मैंने इसको एक बार टैंक बैग के रूप में यूज़ किया था बट मेरे GoPro में बहुत ज़्यादा ही टैंक बैग का पार्ट कैप्चर हो गया था, सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई एम यूजिंग दिस एज अ टेल बैग। तो टेल बैग्स के लिए यहाँ पर आपके स्ट्रैप्स के कनेक्शंस हैं, सो दिस इज़ वन एंड दिस इज़ वन, यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। देन सामने की तरफ है ये वाला एक डबल डीरिंग स्ट्रैप जो यहाँ से कनेक्ट हो जाता है एंड ये आपके टेल पे सिक्योर फिट होके रह जाता है। सो व्हेन एवर आई एम कॉर्नरिंग और मैं अगर टक कर रहा हूँ बाइक में तो टैंक बैग इंट्रूड नहीं करेगा बीच में, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम यूजिंग इट एज अ टेल बैग। कंपार्टमेंट्स की बात करने जाओ, दो साइड कंपार्टमेंट आता है विद एन इंक्लूडेड रेन कवर, दिस इज नॉट अ रेन कवर एक्चुअली। एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस टैंक बैग फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, तीन चार राइड में भी यूज़ कर चुका हूँ। तो दिस इज द रेन कवर, ये काफ़ी ज़्यादा स्नग फिट वाला है, टाइट है, चढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत होती है बट व्हेन इट्स ऑन इट डजंट मूव, मैंने विंड हो तेज चलाओ गाड़ी जो भी करो टेल बैग में भी ये निकलता नहीं है, सो इट्स वेरी स्नग। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इन स्ट्रैप का जो कनेक्शन पॉइंट्स है वो मैंने बाइक में रखा हुआ है, वो आपके बाइक के टाई हुक्स के पास या फिर जो फुट पैग्स होते हैं वहाँ पर कनेक्ट हो जाता है एंड ये बकलअप हो जाता है, सो इट्स वेरी सिक्योर फिट। सामने आपका ये ट्रांसपेरेंट मोबाइल होल्डर है विद पास थ्रू मोबाइल चार्जिंग स्लॉट। एंड सो दिस इज द मेन कंपार्टमेंट, इट्स वेरी ह्यूज। अब अगर मैं इसकी एक्सपेंशन जिप खोल दूँगा तो ये और डीप हो जाता है। यहाँ पर आपका ये टाई हुक्स है तो आपके कपड़े हो या कुछ भी वैल्यूबल्स हो वो उसको पकड़ के रखेगा। यहाँ पर मेरे एक पावर बैंक मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर आपके पेन के स्लॉट्स हैं, यहाँ पर कुछ होल्डर्स हैं, की रिंग होल्डर हो गया जो भी। ये वाला इसका एक्सपेंशन जिप है, सो व्हेन यू अनजिप इट ये आपको एक्स्ट्रा 7 liters ऑफ स्टोरेज देता है। एंड यहाँ पर आपका ये अगेन पैराकॉट सिस्टम, कुछ भी आपको अटैच करके जस्ट टाइट करना यू कैन जस्ट डू इट हियर। एंड देयर इज अनदर जिप राइट हियर, अगर आपको कुछ टोल टिकट से कुछ भी रखना हो तो आप यहाँ पर रख सकते हो। इसमें मैंने कुछ फॉलिंग बैग्स एंड स्टिकर्स जो राइनॉक्स ने भेजे थे वो मैंने रखे हुए हैं। सो इन दोनों को मैं बहुत सारी राइड्स पर लेने वाला हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स दीज टू आर वाटर रेजिस्टेंट बट रेन कवर चढ़ाने से ये वाटर प्रूफ हो जाते हैं। एंड मैं इसमें शायद से अपने थोड़े बहुत कैमरा गेयर्स या फिर हाइड्रेशन पाउच को डेफिनेटली लेकर ट्रैवल करने वाला हूँ। एंड इसमें मेरे कपड़े हो, अगर 2 दिन या 3 दिन का कोई भी वीकेंड राइड में कर रहा हूँ तो थोड़े बहुत कपड़े, कैमरा गेयर, चार्जर्स, बैटरी, पावर बैंक्स सब लेके मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। सो ओवरऑल मैं 3 से 4 दिन के रोड ट्रिप के लिए रेडी हूँ विद जस्ट दीज टू बैग्स, ये इतने स्पेशियस हैं, मैं आराम से 4 दिन की राइड कर सकता हूँ। वेल आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड।
मेरी इंस्टाग्राम हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, तो आप प्लीज़ जाके मुझे फॉलो कीजिए, आपको बिहाइंड द सीन्स देखने मिलेगा, मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ सारी अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे देता हूँ, तो आप प्लीज़ फॉलो भी कर देना, एंड मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।